एनिमे के वर्ल्ड चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया? क्यों, छोटी बच्ची हो क्या? चैनल जल्दी सब्सक्राइब करो। हेलो फ्रेंड, दिस इज एनिमे के वर्ल्ड। एज यू नो, हर बार की तरह हम इस बार भी बहुत ज्यादा लेट है, पर नेक्स्ट एपिसोड में हम इतना टाइम नहीं लगाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आप सभी से। कुछ भी हो जाए, लेट नहीं होगा आगे से, सो डोंट वरी। और एपिसोड 6 जल्दी देखना चाहते हैं तो गाइज हमारे चैनल सब्सक्राइब करो, हम बहुत ही करीब हैं, तो जल्दी चैनल सब्सक्राइब करो और हमें 33K तक ले जाओ। और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो ज़रूर कर लो, हम वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताते हैं और आप वहाँ पे मुझसे बात भी कर पाएंगे। एंड जो लोग फेसबुक यूज़ करते हैं वो हमारे प्लीज़ फेसबुक पेज को लाइक कर देना, क्योंकि हमारा फेसबुक पेज बैंड हो गया था तो हमने न्यू बनाया है, तो अभी आप सभी का सपोर्ट चाहिए तो प्लीज। एंड हमने एक नया फेसबुक ग्रुप भी बनाया है बिल्कुल फ्रेश, उसको भी ज्वाइन कर लो। और अब आखिर में तो सब कर ही लिया, तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो, वहाँ पे भी आप मुझसे बात कर पाएंगे, चीज़ें डिस्कस कर पाएंगे एंड काफ़ी कुछ पूछ पाएंगे। थैंक यू गाइस। Now it's time to start the episode. जानू ना मैं, ये जो मेरे एहसास है, ये दिल की जो आस है, धड़के क्यों अब ये दिल मेरा। जानू ना मैं, ये जो मेरी जैसे बात है, ले जाएगा ये अब मुझे कहाँ। मैं जानू ना, ना ये राहें पुकारे ही जिंदगी, अब ले चली मुझे कहाँ। में जो अब तक क्या वो बन गए हकीकत, मुझे तो है करना खुद पर बस यकीन। तुझे साथ है मेरे हमेशा, न डर है अब मुझे किसी का एहसास है। ये दिल में जो अब मेरे हाँ, आपका एक बड़ा भाई भी है। लेकिन जब से वो फादर बना है तब से मैं उसे मिल नहीं पाती हूँ। आपका स्वागत है मास्टर। महारानी, क्या बात है? अरे वो कितने, इधर आइए। प्लीज यहाँ बैठिए। क्या आप ओई चैन है? ओह वाओ, मैंने तो इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। तो ये सच में एक है? सच में? तो क्या तुम सच में? मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा। हेलो, आप सब कैसे हैं? आओ, क्या ये तुम हो? ओई जा। तुम हमारे साथ काम करना चाहती हो? मैनेजर की भतीजी। मैंने सुना ये इनके बड़े भाई की बेटी है। ओह, कितनी प्यारी दिख रही है। तुम अभी बच्ची हो, ये नहीं कर सकती। आखिर क्यों नहीं? क्यों नहीं से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम अभी भी मिडिल स्कूल में। मैं बड़ी हो गई। और तुम्हारी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैंने बस ब्रेक ही लिया। और आज मैं बहुत खुश हूँ। वाओ, और ये कितनी खुशी के साथ ये बता रही है। ये तो सच में काफी प्यारी लग रही है। हाँ, ये तो बहुत फेमस है। क्या आपका मतलब ये आपके साथ रहेगी कुछ दिन के लिए? हाँ,
मैंने अपने भाई से बात की और वो चाहता है कि मैं कुछ वक्त के लिए आयो की जिम्मेदारी उठाऊं। देखो दोस्तों, मैं अच्छी लग रही हूँ, क्यों है ना? मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ रहो पर कस्टमर से दूर। क्या आपने देखा नहीं, मेरी वजह से आपके कस्टमर्स भी बढ़ गए हैं, क्योंकि मैं इंटरनेट पे इतनी फेमस जो हूँ। और वैसे भी लड़कों को कंट्रोल करना कितना आसान है। अरे हाँ, जल्दी से पिक्चर्स लेके इंस्टा पे डालती हूँ। सिर्फ यहाँ काम करने वाले लोग ही ये कपड़े पहन सकते हैं, ये हमारी पॉलिसी के खिलाफ है। कम ऑन, बस एक सेल्फी। फिर लोग सोचेंगे कि ये कपड़े हम भाड़े पे दे रहे हैं, ये कोई खेल नहीं है। सुना है ऐसे और भी कैफे में होता है। जो भी हो, मुझे पता है ये ड्रेस मुझ पे अच्छी लग रही है तो तुम जल रही हो। क्या कोई परेशानी है? और तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रही हो? हाँ, तुम मुझसे ज्यादा प्यारी लग रही हो, पर तुम्हें फोटो खींचने की कोशिश छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, वापस काम पे चलो, याद करके ये कपड़े उतार देना आयचन। हाय मिसा, मैं आ गया। आपका स्वागत है मास्टर। मुझे पता था, मैं सभी लड़कों को एक नई वर्कर। नहीं, वो मैनेजर की भांजी है, मैंने कपड़े बदलने को कहा था पर। ये कौन है प्लीज मुझे बताइए? इसके पास हर तरफ से एक सेक्सी स्माइल आ रही है। मैं ऐसे ही लड़के की तलाश में थी, जल्द ही मैं इसको भी अपने कंट्रोल में। लेकिन आई उसी और मिसेस साथ में, मतलब क्या वो दोनों डेट कर रहे हैं? मेरा वो मतलब नहीं था, असल में। मैनेजर, उसका कॉल आया था, उसकी तबीयत खराब होने की वजह से वो आज नहीं आ सकता। हाँ, तो क्या कोई दूसरा कॉल करने की कोई जरूरत नहीं, वो भी इतनी सुंदर लड़की को देखकर अट्रैक्ट हो ही जाएगा। सभी छुट्टी ले रखी है और तो और सभी कस्टमर्स अपने ऑर्डर दे चुके हैं। मैनेजर, क्या कुछ हुआ है यहाँ? यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है, हमारा कुक बीमार होने की वजह से नहीं आ पाया। मिसा, ये कुकिंग कर सकती हो प्लीज? हमें तुम्हारी बहुत जरूरत है। क्या मैं कोई मदद करूँ? हाँ, बिल्कुल, कुकिंग को मुझ पर छोड़ दो। पर मैनेजर, हम ऐसे ही किसी कस्टमर को यहाँ नहीं ला सकते। उसी किचन उस तरफ है मैनेजर। लेकिन उन्हें पहले ऑमलेट टेस्ट पास करना होगा। समझ गया। ओके, तो तुम्हें राइस ऑमलेट टेस्ट से जज किया जाएगा, तुम्हें यहाँ सभी इंग्रेडिएंट्स। मैनेजर, पर आप मेरे पास की दूसरी चॉइस नहीं है। जाओ सुई। तो शुरू करते हैं। सुनकर अच्छा लगा। हाँ, तुम्हारी कुकिंग तो बिल्कुल प्रोफेशनल्स की तरह है। क्या तुम मेरे लिए भी कुछ बना सकते हो? हाँ जरूर, तुम मेट कैफे मेन्यू से ऑर्डर कर सकती हो। ये इंसान नहीं है, संभल कर रहना, इग्नोर करो। कितनी पत्थर दिल हो मिसा तुम, लेकिन इसी पत्थर दिल पर तो मैं मरता हूँ। ऐसे ही मत टच किया करो। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। लगता है आज मिसा नहीं आई है, शायद हमें घर जाना चाहिए। अरे हा? ये तो ओई है। क्या? ये क्या हुआ? ये कौन है? ये तो ओई है, सबसे फेमस इंटरनेट आइडल। क्या तुम जानते हो, ये खूबसूरत होने के साथ एक फेमस इंटरनेट आइडल। तुम्हारे कहने का मतलब ये एक नेट आइडल है? इसका मतलब उसके इंटरनेट पे सेक्सी फोटोज भी होंगी। हाँ शायद, मुझे तो ऐसा ही लगता है। ओई तो एक प्योर हार्टेड एंजल है, और वो ऐसी फोटोज तो बिल्कुल भी क्लिक नहीं करवाती। कोई भी मुझे नजरअंदाज नहीं कर सकता, ये कैसे? आपका स्वागत है मास्टर।
मेरे लिए एक स्पेशल ऑमलेट बनाओगे? लेकिन मैं आज एक कस्टमर हूँ। तो क्या हम बैठ सकते हैं? नहीं शुक्रिया। उसने क्या कहा? मुझे अकेले बैठना पसंद है। हाँ ये लड़का, इसकी कोई तो कमजोरी होगी। मैं इसकी कमजोरी का पता लगा कर रहूंगी। अरे आओ चैन। मिसा उन्हें वहीं पे रख दो। ठीक है, मैनेजर थोड़ी देर के लिए बाहर गई है। तो तुम मुझे अपना राज क्यों नहीं बताती? वो जल्दी आ जाएगी तो तुम थोड़ा बैठकर इंतजार कर लो। अब नाटक मत करो। क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती हो? ओह तुम्हें बुरा लग गया क्या? ठीक है तुम यहाँ अकेली रहो और जो चाहिए वो करो। रुको मुझे तुमसे और भी कुछ पूछना है। क्या हुआ? तुम कपड़े बदल रही हो? मेरी शिफ्ट खत्म हो गई है। ये तुम्हारे कपड़े हैं? हाँ। तुम में इंसानियत है भी या नहीं? तुम इस तरीके के कपड़े पहनकर खुद को लड़की कैसे बोल सकती हो? बोलो। मुझे नहीं पता, मैं सस्ते कपड़े पहनती हूँ। तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? तुम ऐसे में अपने को लड़की कैसे बना सकती हो? मुझे ऐसी चीजों की आदत नहीं है। हाँ? भला उसे ताकुमी जैसा लड़का तुम जैसी लड़की की तरफ कैसे अट्रैक्ट हो गया? हमारे पास पक्का कोई सीक्रेट है। मुझे देखो मैं कितनी खूबसूरत हूँ। मुझे कोई भी लड़का देखता है तो मेरे ऊपर फिदा हो जाता है। मगर ऐसा पहली बार हुआ ताकुमी जैसा लड़का मेरे ऊपर अट्रैक्ट ही नहीं हुआ। मैंने कुछ नहीं किया और सच बताओ तो मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। झूठ मत बोलो। अब शांत भी हो जाओ। तुम्हें देख लूंगी। स्पेशल ऑमलेट राइस खिलाओगे? हटो यहाँ से। हाँ? मैं थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले रही हूँ। बाद में मिलते हैं। तुम मुझसे चाहती क्या हो? मैं तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ हमेशा के लिए। क्या सच में? क्या तुम्हें सच में पता भी है जो तुमने अभी बोला आखिर उन शब्दों का मतलब क्या है? चैन? हाँ? अब बस भी करो। हाँ? पर ये उसकी गलती थी। आखिर इतनी हद तक क्यों जा रही हो? जैसे कि ये कोई कंपटीशन हो। सभी जानते हैं ये सब करने के अलावा भी तुम बहुत प्यारी हो। वो सब मेरा मजाक बनाते थे सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे लड़कियों की चीजें पसंद आती थी। मेरा बचपन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उन्होंने हमेशा मुझे तंग किया। सच में तुम्हें ऐसा लगता है?
अगर तुम्हें कुछ ऐसा दिखाना ही चाहती हो वो करो जो तुम हो। ये सब करने से कुछ नहीं होगा, पहले जाके अपने आप को समझो। मुझे नहीं पता तुम्हें कैसा लग रहा है, पर हाँ अभी जो तुम पर हंस रहे हैं भविष्य में वही तुम्हारा सम्मान करेंगे। तुम बहुत प्यारी हो आविचैन, चाहे तुम एक लड़के ही क्यों ना हो। मुझे माफ करना, मैं तुम लोगों को बताना चाहती थी पर आओई कभी गुस्सा होती मुझ पर। तुम शुरू से मेरे बारे में जानते थे है ना? सच में ऐसा है क्या? इसी वजह से मुझसे दूर भाग रहा था। हाँ? तो फिर तुम उसके ऊपर चढ़े क्यों थे? मैं बस उसकी आंखों में आके मिला के उसका सामना करना चाहता था और उसे सच्चाई दिखाना चाहता था। शांत रहो बदतमीज। ये दोनों कितने अजीब है, एक लड़की जो लड़कों की तरह रहती है और दूसरी तरफ लड़का जो उस लड़की के अलावा किसी और की तरफ देखना भी नहीं चाहता। मैं तो काफी हैरान हुई देख कर। हाँ, पर हम हंसे क्यों? हाँ मुझे पता चला था तब मैं थोड़ा हैरान थी, पर ये कपड़े सच में तुम पे प्यारे लगते हैं। आओ आज की तुम कपड़े काफी मजे की है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें जाना? मैं जा रहा हूँ और अगली बार मैं और कुछ अच्छा करने की कोशिश करूँगा और तुमने देखते ही रह जाओगे। फिर से नहीं। मैंने इसे क्या कहा, इसने अभी कुछ भी नहीं समझा। तब तक के लिए गुड बाय। इसने कुछ समझा भी है या नहीं समझा? जाते टाइम भी पूरा इग्नोर करके चला गया। अभी तक तो नहीं। काश आओई मुझसे इंप्रेस हो जाती। हाँ वो जरूर आई होगी। इंतजार कराने के लिए माफी चाहती हूँ मास्टर। ये दोनों मिलके तुम्हें चीट कर रहे हैं सिर्फ आओई के लिए। क्या आखिर क्या ना कैसा हो तुम? ये सब बिल्कुल झूठ है मीसा। मास्टर्स, क्या अब आप लोगों के जाने का टाइम नहीं हुआ है? लेकिन हम तो वहाँ सभी आए हैं। आप लोगों का दिन अच्छा जाए मास्टर। बहुत अच्छी लग रहे हो, बहुत 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 ज्यादा अच्छी। प्लीज हमेशा इसी तरह रहा करो, तुम इस तरह बहुत अच्छी लगती हो। असल में मेरे कपड़े गीले हो गए थे इसलिए मैं ये पहन कर आया। कपड़े गीले हो गए मतलब? हाँ अगली बार से मैं याद रखूंगा कि हमेशा अपने साथ एक्स्ट्रा कपड़े रखूं। प्लीज तुम मेरे कपड़े मत पहना करो। तो आओई जो कपड़े पहन पर था वो आपके थे? हाँ सही बात। वैसे भी वो वाले कपड़े मुझ पर बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि मैं इतना हैंडसम हूँ। वाओ ये तो कमाल का है, तुम सिलाई भी कर सकते हो और ऊपर से इतना सस्ता भी। हाँ आज के लिए मेरी मेहनत करने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं, तुमने फिर से वही कपड़े पहन लिए। हाँ तुम समझती क्यों नहीं कि तुम अपनी खूबसूरती बर्बाद कर रही हो? मैं ऐसा होने गौर से देखो यहाँ पर कितनी खूबसूरत चीजें हैं। तुम जो चाहे ले सकती हो, यहाँ पर तुम्हें लड़कियों वाला हर सामान मिलेगा। इससे तुम बहुत क्यूट लगोगी और लड़के तुम्हारे पीछे भागेंगे। हाँ क्या तुम्हें अभी तक कोई चीज पसंद नहीं आई? ओ माफ कर देना मुझे। क्या तुम सच में एक लड़की हो? तुम्हारे अंदर लड़कियों वाली कोई चॉइस है क्यों नहीं? तुम अपनी खूबसूरती को बर्बाद क्यों कर रही हो? तुम पागल हो? अरे वाह मुझे भाषण और अपमान दोनों एक साथ दिए जा। लगता है मेरे पास और कोई रास्ता नहीं, मुझे ही तुम्हारे लिए कुछ करना पड़ेगा। एक एक मिनट आओई, देखो आई मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कपड़े खरीदने के लिए, ये तो बड़ा सस्ता है। देखो मैंने एक नोटबुक खरीद लिया है। मैम क्या आपको सैंपल चाहिए फ्री? माफ करना अब हम कहाँ जा रहे हैं? चलो भूल जाओ और जल्दी करो और तैयार हो। आपको हमारी सर्विस पसंद आई हो तो फिर से जरूर आइएगा। देखो आलू के करकरारे पकोड़े सुजुना को बहुत पसंद है। तुम्हारा मेकओवर करना बस वक्त की बर्बादी थी। लगता है तुम्हारे स्कूल में दिन कुछ ज्यादा अच्छा गया। अगर मैं अभी घर में रुका होता तो ज्यादा खुश रहता, क्योंकि मेरा स्कूल और मेरा घर एक जैसा ही वो है। कैसे? दोनों ही जगह पर मेरी पसंद को लेकर मेरी इंसल्ट करी जाती है। क्या तुम्हें पता है कि मैं अपना भेष बदल कर लड़की बनकर क्यों घूमता हूँ? क्योंकि मैं एक लड़का हूँ जिससे लड़कियों वाली चीजों में दिलचस्पी है और इसी वजह से सब मुझसे नफरत करते हैं। मुझसे पूछो तो मुझे तुम बहुत पसंद हो। तुम एकदम सीधे साधे हो।
लेकिन तुम मुझे पसंद नहीं हो। पता है मुझे। तुम एक लड़की हो ना, या तुम एक लड़का हो और मेरी तरह भेष बदल के घूम रही हो। ये तुम्हें नहीं लगता तुम ज्यादा तेज बोल रहे हो? अरे यार, ये मौसम का भी कुछ पता नहीं चलता। आओई, खुद को सुखाने के लिए तुम्हारे पास कोई रुमाल नहीं है क्या? मेरे पास है, मगर मैं उसे खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि वो मेरे लिए स्पेशल है और मेरा फेवरेट भी। तो फिर मैं तुम्हें अपने रुमाल से सुखा देती हूँ। कोई मेरी मदद करो, वो छोड़ मेरा पर्स चुरा कर भाग रहा है। वहीं रुक जाओ, मैं भी तो देखूँ तुम आगे जाते कैसे हो। वो क्या करने की सोच रहा है? मुझे लगता है तुम पिटे बगैर तो जाओगे नहीं। ये लो। वो आदमी इतना बड़ा था तो तुमने उसे इतनी आसानी से कैसे उठा लिया और ऊपर से उसे पटक भी दिया? क्या मैं ज्यादा ही अजीब हूँ या सुपरवुमन जैसा एक लड़की होने के बावजूद भी? पर मुझे लोगों की मदद करना अच्छा लगता है। माफ करना अगर मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी हुई तो। सभी मुझे डांटते हैं और लड़की जैसा बनने को कहते हैं, पर मुझे लगता है मैं जो हूँ ठीक ही हूँ। तुम में एक ऐसी लड़की हो जो लड़की होकर भी लड़की नहीं है और एक लड़का ना होकर भी लड़का है। असल में तुम डरती हो कि वो तुम्हें अकेला ना छोड़ दे और तुम अकेली ना रह जाओ। और भला किससे और क्यों? उस हुई हमारे बीच कुछ भी ऐसा नहीं है। लेकिन वो तुम्हें पसंद करता है। ये सब बकवास है, वो बस मेरा मजाक उड़ा के खुद मजे लेता है। वो बिल्कुल जानवर जैसा है। सुनो, क्या तुम मेरी तरफ से उसको सॉरी बोल दोगी? बस ऐसे ही। हाँ, तुम्हारी स्लीव फटी हुई है। अब क्या करूं? चोर को पकड़ने में ऐसा हुआ होगा। मुझे अपना साइज बताओ। हाँ? मैं तुम्हारे लिए कुछ बना दूंगा। तुम्हारा मतलब मेरे कपड़े? हाँ, वैसे मैं इसे भी ठीक कर सकता हूँ। इसकी जरूरत नहीं है। मैं कर दूंगा। जाने भी दो। ये थोड़ा भद्दा दिख रहा है ना? क्या तुम्हें मेरे ड्रेस स्टाइल से कोई प्रॉब्लम है? शायद तुम बहुत क्यूट लग रही हो। ये ड्रेस तुम्हें काफी जच रही है। जितना सोचा था इससे ज्यादा अच्छी लग रही है। हाँ, सही कहा। क्या, अगर हंसना चाहते तो हंसो ना तुम। हाँ, माफ करना, मैं बाकी की तरह प्यारी नहीं लग पा रही। तुम तो कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही हो। मन तो करा यहाँ सबके सामने तुम्हें प्रपोज कर दूँ। चले जाओ यहाँ से, अजीब कहीं का। चीज को अब नहीं झेल सकती। युकिमुरा, मैंने तुम्हें बताया था ना कि आज स्कूल फेस्टिवल की रिपोर्ट की लास्ट डेट है। हाँ विंसेंट, थोड़ा मेरे पास सेटल करने के लिए और भी ढेर सारे डॉक्यूमेंट है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स और क्लब ने लास्ट मिनट पर काफी सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं। एक और पार्टनर मैं सेटल नहीं कर सकता। ठीक है, बाकी मैं खुद कर लूंगी, इसे कलेक्ट करो। थैंक यू। धक्का मत मार यार। ओ, ये कमाल की है। अरे ये तो बहुत ही खूबसूरत। ये क्या सुनाई दे रहा है? क्या चल रहा है वहाँ पर? हम एक बार भी ना देख पाए। बहुत दिन हो गए थे ऐसी लड़की देखे। क्या बात है, क्या बात है? ये वही बेवकूफों की टोली। जब भी मैं वहाँ नहीं होती हूँ तब वो ना समझो की तरह रिएक्ट करते हैं। ये कब समझेंगे? उन्हें ये बता दो। इससे पहले मैं अपने तरीके से समझाऊं उन्हें। तुम इस मेड वाली ड्रेस में कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लगती हो मिसा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम्हें दिखाई नहीं देता ये ड्रेसिंग रूम है? जाओ यहाँ से। वो बेवकूफ तुम ही थी जिसने वो दरवाजा खुला छोड़ा था। घटिया इंसान। हाँ, गुड मॉर्निंग सुई, तुम यहाँ? वो बॉक्स, उसमें क्या है? मैंने कुछ चीजें उड़ा की थी। एंड
एंटी क्राइम टूल्स? या ये इलेक्ट्रिक इमरजेंसी टूल है। हाल ही में कुछ कैफे में रात के वक्त स्टाफ्स के ऊपर हमला हुआ है, इसलिए मुझे लगता है कि इन टूल्स की तुम्हें जरूरत पड़ सकती है मीसा, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इसे रखो। ये लो। इसे मुझे ना दे के पहले तुम किसी और को दे दो, उन्हें जरूरत होगी, वैसे ही मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, बोल तो ऐसे ही जैसे खुद कहीं की जॉन सीना है। ठीक है, वैसे भी तुम कराटे चैंपियन हो, है ना? हाँ, और इसके अलावा कोई मेरा पीछा करने की सोच भी नहीं सकता, और अगर कोई बदमाश भी होगा तो मैं उसे संभाल लूंगी, तुम फिक्र मत करो। तुम बहुत अच्छी हो मीसा। हाँ? वो रात के गुंडे जो रात में कैफे में हमला करते हैं, न्यूज़ में उनके बारे में सुना था। सुना है, वो बहुत खतरनाक है। तुम क्यों परेशान हो इतकुन? तुम्हें लगता है मीसा ठीक होगी? हाँ? हाँ? सही कहा। गाइस, क्या हम मीसा को उन लोगों से बचा सकते हैं? हाँ, मीसा पहले से ही बहुत ताकतवर है। हाँ, वो तो कराटे चैंपियन है और वो हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो बिल्कुल ठीक होगी। तो आज शाम को ही चलते हैं मीसा को देखने। लाते हम आ रहे हैं, उसके बाद हीरो मंटी 2 देखने चलेंगे। प्रेसिडेंट, थोड़ा आराम कर लीजिए। क्या स्टूडेंट काउंसिल रूम में हर कोई इसी तरह का सीन बना रहा था? बताओ मुझे। सॉरी प्लीज। अगली बार स्टूडेंट काउंसिल रूम में सोने से बढ़िया तुम घर जाके कुछ पढ़ी लेना, समझे? अच्छा काम किया। तुम वहाँ क्या कर रहे हो? इसको मैं क्या करूं? आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो सोई? इस लड़के का क्या करूं मैं? हुरे! हुरे! इकुन, इकुन, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? 10 रुपए। और तुम्हारे पास शीरो कावा? 5 रुपए। और तुम्हारे पास कुरोस्की? मेरे पास भी 5 रुपए। तो हमारे पास कुल मिलाकर कितने हुए? शायद 20 रुपए। इतने में तो एक कप कॉफी भी नहीं आएगा। चलो घर वापस चले, हीरोपंती 2 भी नहीं देख पाऊंगा। खत्म हुआ। थैंक यू सो मच प्रेसिडेंट। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। थैंक यू युकिमुरा। लगता है आज मुझे सच में बहुत देर हो गई है। क्या सच में? तो ये ऐसे होगा? क्योंकि मैं यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कर पाती हूँ। इस टाइम पर तुम्हारा अकेले बाहर रहना ठीक नहीं है। तुम ये नहीं जानती कि कैसे कैसे लोग आते जाते रहते हैं यहाँ पर। हाँ, समझ गई। मिशा की तुम बिल्कुल मेरी माम की तरह हो और मेरे साथ आने के लिए सक्रिय। उसे और ध्यान देना चाहिए, आज वो समझ गई। शायद इस टाइम पर तुम्हारा बाहर अकेले रहना ठीक नहीं है। तुम ये नहीं जानती कैसे कैसे लोग आते जाते रहते हैं यहाँ पर। मुझसे कितनी बार कहा है, मुझसे थोड़ा दूर रहा करो। क्या तुम मेट कैफे जा रही हो? मेरा पीछा करना बंद करो। आपका फिर से स्वागत है मास्टर। मैं आ गया मीसा। प्लीज इस तरफ मास्टर। ठीक है। हाँ? बस इग्नोर करो उसे। माफ़
कीजिए, मैं आपके लिए दूसरा लेके आती हूँ मास्टर। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया मीसा। बाय दोस्तों, कल मिलते हैं। आज मैनेजर आई क्यों नहीं? क्योंकि वो शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट मीटिंग में है, इसलिए वो आज नहीं आ पाई। आज के दिन ही ऐसे क्यों हुआ? तुम्हें कुछ काम था क्या एरिका? मेरे पास असाइनमेंट का एक पहाड़ है जो कि कल सबमिट होगा, पर मैंने तो अभी तक छुआ भी नहीं है। वैसे क्या तुम फ्री हो? असल में मुझे इसके बाद दूसरी जॉब पे भी जाना है। वाओ, तुम तो बहुत हार्ड वर्कर हो। तुम इसकी चिंता मत करो। हाँ? तुम दोनों ही जा सकती हो, मैं अकेले रह के संभाल लूंगी। क्या सच में मीसा? हाँ, प्लीज मुझ पर छोड़ दो। थैंक्स, पर मुझे तुम्हें यहाँ अकेले छोड़ के जाने के लिए बुरा लग रहा है। और अब तो रात के गुंडों से संभाल कर रहना पड़ेगा। तुम दोनों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर कोई अजनबी दिखा भी तो मैं इसे अकेले ही निपटा दूंगी। क्या तुम सच में संभाल लोगी? हाँ। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो। बहुत बहुत शुक्रिया। ताला भी चेक कर लिया। वही है जिसके बारे में चीफ मुझे बता रही थी। ये बहुत स्ट्रॉन्ग भी है। आखिर तुम यहाँ कर क्या रहे हो सुई? मैं स्टॉकर वाला गेम खेल रहा था। तुम्हें ये बताने में बहुत खुशी होगी कि ये स्टॉकर वाला गेम अब खत्म हो चुका है। इतनी जल्दी? सीरियसली उसोई, इस तरह की हरकतें करने पर तुम्हारे पर केस भी हो सकता था, तुम्हें पता है क्या? मेरी बात सुनो, पीछे का दरवाजा खुला हुआ है। मिस प्रेसिडेंट, आपको और सावधान रहने की जरूरत है। हमेशा आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आपको नहीं बचा सकती, क्योंकि आखिर में आप हैं तो एक लड़की ही ना। जाने दो मुझे। तुम इस तरीके की घटिया मजाक मेरे साथ करते क्यों? और तुम होते कौन हो मुझे सिखाने वाले? हाँ, मैं एक लड़की हूँ, लेकिन मुझे तुमसे जानने की जरूरत नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। चले जाओ यहाँ से। ठीक है। आखिर ये लड़कियों को समझाना इतना मुश्किल क्यों होता है? कुछ नहीं है, मेड लाइटे की चीफ आज रात लेट आई थी, इसलिए उनके ना आने तक मैं वापस। मीसा, कल की परेशानी के लिए माफ करना, ये लो मेरी ओर से छोटा सा गिफ्ट। ये सारा हमारा है। और वैसे भी वो सुई, पता नहीं उसे दिक्कत ही क्या है मुझसे, हमेशा मुझे परेशान करता रहता है, उसे कुछ ना कुछ बहाने चाहिए। इसके बारे में सोच के अब दिमाग ही खराब हो रहा है। छोड़ो, ये बहुत अच्छा है। चीफ कहाँ से लाती है ये सब? जरा टेस्ट तो करो सुजना। मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं अभी कौन सा खाऊं। सुजना, जो अच्छा लगे वो ले लो, ये बहुत अच्छा है। ओ हाँ, क्यों ना हम इसे बनाएं? हाँ जरूर, मैं चाय लेकर आती हूँ, मैंने एक लॉटरी में वर्ल्ड बेस्ट टी जीता है। हाँ बिल्कुल तैयार है। मेरे पास पैसे नहीं है। झूठ मत बोल यार। क्या खाना चाहेंगे मास्टर?
मैं यहाँ का स्पेशल चीज बर्गर खाना चाहता हूँ। कितनी शांति है, उसे या नहीं है तो मुझे कितना आराम मिल रहा है। काश सब ऐसे ही रहे। माफ करना, मेरे हाथ से गिलास फिसल गया था। मुझे माफ कर दीजिए, क्या आप ठीक है मास्टर? हाँ। मैं अभी साफ करने के लिए कुछ लाती हूँ। मैं भी मदद करता हूँ। ये खतरनाक होगा। ठीक है। या परी, मीसा एकदम परफेक्ट है हमारी। हाँ। तुमने देखा उसने मुझे छुआ? हाँ। पास के एक कैफे में कुछ गुंडों ने किया हमला। एक मेड के साथ करी जबरदस्ती और करी काफी अश्लील हरकतें। अगर आप एक मेड हैं या आपका कोई जानने वाला मेड है तो आप लोगों से निवेदन है कि सावधानी बनाए रखें। हेलो, क्या तुम फ्री हो? हमारे साथ घूमना चाहोगे? मैं तुम्हारा नाम जान सकती हूँ? तुम हाई स्कूल में हो है ना? हे रुको, उसने तो हमें देखा तक नहीं। वो कितना हैंडसम है ना। ओके, सफाई खत्म। सेफ्टी के लिए चीफ के पास चाबी है, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। मीसा, मुझे माफ कर दो पर मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मैंने सब कुछ प्लान कर रखा था मंथली मीटिंग्स और फेस्टिवल्स के बारे में, और तो मुझे इन सब की तैयारी के लिए आज रात पर जाकर काम भी करना पड़ेगा। मुझे पता है ये सब एक झंझट है, और तो कल मेरे छोटे भाई के ड्राइंग के एग्जाम भी है। मैं जानती हूँ मीसा, मैं तुम्हारे ऊपर काफी बोझ डाल रही हूँ और ये सब परेशानी है, पर क्या तुम प्लीज आज रात के लिए हमारा कैफे संभाल सकती हो? प्लीज 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 आज की रात के लिए मीसा, प्लीज मीसा प्लीज मना मत करना। मीसा, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, और जैसे ही काम खत्म हो जाएगा मैं भागती हुई आ जाऊंगी। मीसा प्लीज। कोई बात नहीं चीफ, मुझे नहीं लगता कि चिंता करने की कोई बात है। आओ, दिखने में नहीं लगता, इतना तेज लगता होगा। चीफ, चीफ, अजीब है, मैंने दरवाजे खुलने की आवाज सुनी थी। हाय मिसा, हाय मिसा, चलो। हम पीछे के दरवाजे से आए हैं। हिलना मत। हो गया मीसा। अब चुपचाप हमारी बात सुनो मीसा, हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहते। हाँ, ये लोग, ये तो इसी कैफे के कस्टमर्स हैं। मीसा, हमारी बात मानो। मीसा, तुम बहुत कमाल की वेट्रेस हो और बहुत खूबसूरत भी। हम मेड कैफे में बस तुम्हें देखने के लिए आते थे। मैं तुम्हें कब से छूना चाहता था, पता नहीं हम कब से इस दिन के इंतजार कर रहे थे। मीसा, अब चुपचाप हमारी बात मानो, हमें तुम्हारे कपड़े उतारने दो। मीसा, तुम दोनों सपने देखना बंद करो। तुम दोनों जानना चाहते हो ना मैं हूं कौन? तो इधर आओ, मैं बताती हूँ मेरा असली रूप क्या है। दिखाई दिया? Ah!
तो जान गए होंगे ना मुझे अब तुम। खिड़की तोड़ने की क्या जरूरत थी? चीफ वापस आएगी तो बेहोश हो जाएगी इसे देख के। पीछे का दरवाजा बंद था, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। हमें माफ कर दो। वैसे मुझे कुछ पूछना था, तो बताओ मुझे, तुम लोग मीसा को आखिर क्या समझते थे और वो आखिर में क्या निकली? हमें माफ कर दो, हम मीसा को मासूम और कमजोर लड़की समझते थे। क्या? पर वो लड़कियों से भी ज्यादा ताकतवर है। अरे वाह, तुम लोग तो बड़ी जल्दी समझ गए। तो तुम हमें छोड़ दोगे? नहीं। तो ध्यान से सुन लो आज, कि प्यारी सी मेड सिर्फ मेरी है और मैं सिर्फ इसका, तो अपनी नजर इससे दूर कर लो। उसुई, मैंने कितनी बार कहा है मुझसे दूर रहो। रहोगे गधे? खैर ये तो सही है, जैसा बोलना चाहिए तो मेरा मतलब है उस हुई, आज के लिए थैंक यू। मीसा, सॉरी मैं लेट हो गई। उसी तुम भी यहाँ हो? वेलकम बैक चीफ। लेकिन क्या तुम दोनों आज रात को डेट पर जाने वाले थे? सॉरी अगर मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब किया हो तो, प्लीज मुझे माफ करना। प्लीज मुझे इस तरीके से शर्मिंदा मत कीजिए। हाँ? क्या हुआ ऊपर? ये सब कैसे हुआ? सॉरी मैम। वेल हुआ ये था कि चीफ, फिर क्या तुम जोर से चिल्लाई थी प्लीज कोई मेरी मदद करो जैसे बाकी लड़कियां क्या करती है? नहीं बिल्कुल भी नहीं, उल्टा तो मैंने उन्हें सबक सिखाया। मजा ही था। मुझे खुशी है कि तुम्हें चोट नहीं और लगी। अगली बार कैफे में अकेले मत रुकना। मुझे माफ कर दो, तुम्हें चिंता हो रही होगी, लेकिन मैं ठीक हूँ। मैं स्ट्रॉन्ग बनने के लिए और मेहनत करूंगी। मुझे लगता है मीसा के लिए इतना काफी है। हाँ मीसा लड़कों से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहाँ पर एक फीमेल जॉन सिन्हा की बात हो रही है। ठीक है ये लो, मैंने तुम्हारी उस दिन की फोटो वॉलपेपर पे लगा दी है। ये तुमने कब ली मेरी ये फोटो? आखिर ये किसने क्लिक किया? हाय, वो फोटो मैंने खींची थी। तुम कम ही ऐसे क्यूट कपड़े पहनती हो, तो मैंने मौका देख कर चुपके से फोटो ले ली क्योंकि तुम बहुत ही क्यूट लग रही थी। सच में मुझे भी करना है। वाह क्यूट है। मत देखो उसे। हे रुको, वो फोटो मुझे चाहिए थी। ये देखो मेरे पास भी वो फोटो है। ये मजाक नहीं चल रहा है। मुझे दो। नहीं उसे मत देना, बंद करो। ये वॉलपेपर चेंज कैसे होता है? कैसे हो सकेगा मुझसे ये? हो जा। ये वॉलपेपर इतना शर्मनाक है कि मैं अपना फोन भी ऑन नहीं कर सकती। इसे चेंज कैसे करते हैं? इस साथी तुम्हारे ऊपर पिंक कलर बहुत ही अच्छा लगता है। भेज दिया। तुम जाओ तुम लोग। मिल गई। अचानक से हमें अपना स्टूडेंट बना लीजिए। मुझे स्टूडेंट मिले, ये पांचों के पांच। ये गधे कौन है? फर्स्ट है शायद। ये अभी फर्स्ट ईयर में है इसलिए इन्हें नया नया जोश है। कितने
में गर्व की बात है। प्रेसिडेंट हमें अपने साथ चलने का मौका दे रही है। ये पल तो इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। क्यों, मैंने सही कहा ना? तो क्या आज से हमारे ग्रुप का नाम आयुष आवा स्कूल ग्रुप होगा? आय हाय, मजा आ गया। हम कितने लकी है। सुनो, तुम लोग ये आयुष आवा स्कूल बोलना बंद करोगे? ये थोड़ा अजीब लग रहा है। नहीं प्रेसिडेंट, आप सच में कितने खास हैं, आपको नहीं पता। हाँ, और इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा आयुषावा एसोसिएशन आपकी तरह बने और आगे बढ़ते रहे। मेरा सर फट रहा है। ठीक है, जो करना है करो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रेसिडेंट। तुम ये बिल्कुल मत समझ लेना कि ऐसे बेकार के काम में मैं इंटरेस्टेड हूँ। आप ऐसे कैसे कह सकती हैं? असल में हमें आपका जीने का तरीका काफी पसंद है। जीने का तरीका? स्कूल फेस्टिवल में जिस तरह से आपने बिगड़े हुए बच्चों से काम करवाया था और बात ना मानने पर जिस तरह से कराटे से सजा दी थी, वो कमाल का था। और तो और, आपने स्पोर्ट्स में बाकियों को हराकर गोल्ड मेडल भी जीता है। आप बहुत टैलेंटेड है, इसलिए हम चाहते कि आप हमारी मास्टर बने। तुम्हें इतना बड़ा चढ़ाकर नहीं कहना चाहिए, मैं उतनी भी महान नहीं हूँ। मास्टर, आपको तो भगवान होना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान इतना टैलेंटेड नहीं हो सकता। मास्टर, आप आइडियल हैं। हाँ, इसलिए हम आपकी तरह बनना चाहते हैं। प्लीज हमें अपनी शरण में ले लो। तो बाद में मिलते हैं। हाँ, लेकिन मास्टर, आपका घर तो स्कूल के पास है ना, तो ट्रेन किस लिए? हाँ मास्टर, हमने तो ये भी सुना है कि आप पार्ट टाइम जॉब करती हैं। इतने घर की बात है ना कि आज हम प्रेसिडेंट के पार्ट टाइम जॉब को देख सकते हैं। ओह, हम तो बहुत ज्यादा लकी हैं, हमें वो देखने का मौका मिलेगा। हाँ, तो प्लीज हमारी इच्छा पूरी कर दीजिए। प्लीज हमें ले चलिए। मुझे लगा ही था ये जरूर पूछेंगे। जरूर, आपकी जॉब आपके जैसी ही खास होगी। नहीं, ये एक आम जॉब है, इसमें कुछ खास नहीं करना पड़ता। प्लीज हमें एक मौका दीजिए आपके साथ आने का, ताकि हम भी देख सके। प्लीज हमें आपके साथ ले चलिए। नहीं, तुम सबको अब घर जाना चाहिए, है ना? बस घर जाके अपना होमवर्क खत्म किया करो। तुम लोगों ने सुना नहीं, उन्होंने ना बोला है ना? हाँ, तो जल्दी करो और निकलो ना। समझ गए ना? अच्छा ठीक है, फिर ऐसी बात है तो कल मिलते हैं मास्टर। सी यू टुमारो मास्टर। बहुत अच्छे, बच गई तो स्कूल में मिलते हैं। रुको, हम भी आ रहे हैं। आखिरकार हमारे पास और पॉइंट्स कमाने का मौका है। हाँ, हमें साथ में फोटोज लेने के लिए और पॉइंट्स चाहिए। प्लीज हमें ले चलिए। मैंने कहा ना तुम लोगों से, जाओ। रुकिए मास्टर। प्लीज हमें साथ में ले चलिए। आपने तो काफी सारे नए दोस्त बना लिए मिस प्रेसिडेंट। उसोई मास्टर, मास्टर शायद वो चली गई। वो बहुत तेज है, हम उसे कभी नहीं पकड़ सकते। तुमने बचा लिया। वैसे आप अचानक से इतनी फेमस कैसे हो गई? ये लोग स्कूल के ही हैं, बस मेरे स्टूडेंट्स बनके कुछ सीखना चाहते हैं। हाँ यार, सच में बहुत तेज है। हाँ सच में। हाँ सच में। हाँ सच में, हाँ, सच में। आज आपने उन्हें चकमा दे दिया। वैसे मैंने मेड कैफे में 10,000 पॉइंट्स जीते हैं। क्या? मैं पहले से इतने ज़्यादा पॉइंट्स मिल गए? क्या ये ज़्यादा हैं? पूरे टाइम वहीं जो पड़े रहते हो। तो पॉइंट्स ज़्यादा होने की वजह से आपको मेरे साथ एक फोटो क्लिक करवानी पड़ेगी। कम ऑन मिसा, तुम इस तरह बहुत डरावनी लग रही हो, बस एक प्यारी सी स्माइल दे दो। हाँ अच्छा ठीक है। मास्टर, अगर आपको ये फोटो पसंद हो तो हम दूसरी फोटोज भी ले सकते हैं। नहीं, एक फोटो काफी है, क्योंकि इसमें मिसा काफी अच्छी लग रही है। मिसा कितनी लकी है, उसे कितना प्यार करने वाला मास्टर मिला है। हाँ सही बोला। इसमें तुम्हारा क्या कहना है मिसा? मिस प्रेसिडेंट, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हम दुआ करते हैं कि आपका दिन शुभ हो। मास्टर, आज हमें अपनी कोई बहादुरी वाली कहानी सुनाइए ना। माफ करना, लेकिन मैं इस वक्त कोई कहानी कहने के मूड में नहीं हूँ। लगता है वो थकी है। हाँ शायद टायर्ड है। हाँ सही कहा।
आपके लिए कुछ भी मास्टर। मास्टर फिट रहने के लिए लंच में पनीर मटर खाती हैं। इसी बात पे मैं कल मटर पनीर लेके आऊंगा। लेकिन उन्होंने खाया क्यों नहीं? शायद वो कुछ सोच रही हैं। प्रेसिडेंट, एडमिशन के लिए नए फॉर्म आए हैं। हाँ, मुझे देखने दो। मैडम, हमारा साफ सफाई वाला प्रोजेक्ट अभी खत्म नहीं हुआ। ओ हाँ, मैं आज ही इसका कुछ करती हूँ। मिस प्रेसिडेंट, अभी ये सब भी बाकी है। ठीक है, हम कल मीटिंग में इसके बारे में कुछ। तो क्या यही वो मशहूर आयुजावा ग्रुप है? वो हमें कूर क्यों रहे हैं? तुम लोगों को कुछ काम नहीं है क्या? जाके अपनी पढ़ाई करो या फिर अपना होमवर्क पूरा करो, या टाइम पास करने आते हो? यस, आप कहें। ये लोग तो यहाँ के सच में पढ़ने लगे। शायद इसीलिए इन्हें आयुजावा ग्रुप कहा जाता है। वाओ, आप सच में कमाल है मास्टर। क्या आज आप अपनी जॉब पे जाएंगी? क्या हम आपके साथ आए? तुम लोग ध्यान से घर जाना। मास्टर प्लीज रुकिए, हमें भी अपने साथ ले चलिए। लेकिन मास्टर हमारे लिए रुकिए। मास्टर, क्या ये आपके डाई हार्ट फैंस थे? तुम फिर से? आप उन्हें साफ साफ क्यों नहीं बता देती कि आप कौन है? अगर आप उन्हें पसंद नहीं करती तो आप उन्हें साफ साफ भी कह सकती हैं। नहीं, बात यह है कि मैं खुश हूँ बहुत ज्यादा कि ये लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं। वो परेशान तो करते हैं, पर उनके जैसा जोशीला मैंने कभी नहीं देखा। आपका यहाँ फिर से स्वागत है मास्टर। मास्टर, हम भी आना चाहते हैं। फिर से ये है आज की स्पेशल चाय, एंजॉय कीजिए मास्टर। और फिर से मास्टर, हमारे लिए रुकिए। अरे, हमें भी अपने साथ ले चलिए ना। ये सब था क्या? तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी टाइमिंग हर दिन अच्छी होते जा रही है उसी? क्या तुम्हें नहीं लगता अगर तुम उन्हें सिचुएशन को साफ साफ समझाओगी तो वो समझ जाएंगे? लेकिन मेड बनना भी थोड़ा, कुछ भी हो जाए मैं इसे सीक्रेट रखना चाहती हूँ। तुमने देखा ना, वो मुझे स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट का मिसाल मानते हैं। मैं उन सबका भरोसा नहीं तोड़ना चाहती। तो क्या तुम हमेशा इस तरह उनसे भागती रहोगी? भागना? आराम से खाने के मजे लीजिए मास्टर। तो बताइए आप क्या लिखवाना चाहते हैं मास्टर? क्या तुम इस पे लव लिख सकती हो? जरूर मास्टर। लीजिए, एंजॉय कीजिए मास्टर। मैं ये सब आयुजावा स्कूल के झुंड को नहीं दिखा सकती। एंजॉय कीजिए। मीसा कुछ अजीब हरकतें कर रही है ना? हाँ, मुझे भी लगता है कि कुछ बात है। हे मीसा, हमारे कुछ कस्टमर तुम्हारे साथ कार्ड गेम खेलना चाहते हैं, क्योंकि ये सब भी तुम्हारे साथ फोटो क्लिक करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो आप सभी कौन सा कार्ड गेम खेलना चाहेंगे? स्पीड बैंक चैंपियन हूँ उसका। तुमने घर से निकलने से पहले दही और चीनी तो खाई थी ना? मीसा के साथ पढ़ो और रुक नहीं सकता। ठीक है, मैं शुरू करती हूँ। कुछ भी हो जाए हारना मत, हमारी सारी प्रैक्टिस याद रखना। हाँ, आखिरकार आज वो दिन है जब मेरे खून पसीने की मेहनत रंग लाएगी। मुझे हरा दो, जान लगा दो शीरो यान। तैयार? ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्या
किया इतनी जल्दी? मैं नहीं मानता, शुरू होते ही खत्म। हमारी मीसा किसी पर भी दया नहीं दिखाती। हाँ, और इसीलिए तो मीसा को इस गेम का मास्टर बोला जाता है। हमारी मीसा है ही ऐसी। क्या पता मैं फोटो खींचूं और वो स्कूल में फैल जाए तो मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। ये कैसे हो सकता है? मैंने अब तक सिर्फ एक ही इंसान ने मीसा को हराया है, वो भी पहली ही चाल में। हम आखिर कैसे हार सकते हैं? उसने मुझे हरा तो दिया, पर ये तुम्हारे साथ मेरी पहली फोटो है। उसने उस फोटो का क्या किया होगा? वो फोटो तो स्कूल भी नहीं लाता है ना? तो क्या तुम हमेशा इस तरह उनसे भागती रहोगी? मैं बस उन लोगों का भरोसा नहीं तोड़ना चाहती, इसलिए मैं भागती रहती हूँ। मैं अब जीना नहीं चाहता। लेकिन फिर इन लोगों को क्या? ये लोग भी तो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है अपना हुलिया ठीक करो। हाँ हाँ ठीक है, मैं बाद में निकाल दूंगा। मेरी असलियत जानने के बाद भी कि मैं एक मेड हूँ, ये लोग मेरे साथ ऐसे रहते हैं। उदास मत हो, तुम लोग अगली बार फिर से कोशिश कर सकते हो। ठीक है, हम फिर आएंगे। अगली बार हम उसे जरूर हराएंगे और साथ में एक अच्छी फोटो भी खींच के जाएंगे। ये तुम्हें अच्छा लग रहा है। हे मीसा, मैं तुम्हें बताने वाली थी कि कल बनी ईयर्स डे है। और मैं हूँ बनी बनी होना का। हनी बनी हाँ। शायद हमें चेहरे पर बाल लगाने चाहिए। माफ करना पर इसमें तुम काफी अजीब लग रही हो। ओह नो, मुझे ऐसा लगा इस लुक में मैं अच्छी लगूंगी। ये लो मीसा बनी। हाँ मीसा प्यो, मेरा सही नाम। कहा, बनी मीसा, बनी मीसा। चलो मैं जो कहती हूँ उसे रिपीट करो। बनी क्या बनी इस तरह? बन बन मीसा प्यो। मीसा तुम इस तरह एक ज़ॉम्बी लग रही हो, प्लीज हो सके तो थोड़ा क्यूट बन के बोलने की कोशिश करो, इस तरह तो तुम कस्टमर्स को भगा दोगी। हो ना का, तुम फिर से डरावनी बन रही हो। वो सब अगर ऐसा देखेंगे तो मुझे मास्टर बुलाना बंद कर देंगे। मीसा की कल कौन सा दिन है? हाँ कल कुछ खास होने वाला है क्या? अगर तुम्हें याद नहीं तो कोई बात नहीं, आखिर तुम इतना बिजी रहती हो तो तुम्हें पता ही कैसे होगा। किस बारे में? कल जापान में सभी ग्रोसरी स्टोर्स पे 50% ऑफ होगा। 50% ऑफ एक बहुत अच्छा ऑफर। अगर तुम्हें कुछ लेना हो तो तुम इस पास को अपने साथ लेकर जा सकती हो। ओह हाँ जरूर बिल्कुल। क्या तुम ठीक हो? कुछ खास नहीं है सुजुना, पर क्या तुम्हारे पास शैम्पू और लॉन्ड्री डिटर्जेंट है? नहीं, मेरा मतलब स्कूल और मेड कैफे से था। क्या तुम किसी बात को लेके परेशानी में हो? मैं कुछ नहीं, कुछ खास नहीं है। असल में बात सिर्फ कल की नहीं। क्या बस इतना ही? ऐसे कई मौके मिलेंगे जब हमें मेडिसिन सस्ती मिलेगी। क्या बात है सुजुना, ये देखने के बाद तो लोग हैरान ही हो गए होंगे ना। लेकिन मैंने तो ये सब अभी तक किसी को दिखाया ही नहीं है। मुझे तुम्हारी वही आदत पसंद है, हमेशा खुद की प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी वो खुद ही करती है। लेकिन मैं क्या? सच में? मैं मजाक कर रहा था। हे तुम दोनों सीढ़ी पर मत बैठो, तुम दूसरों को रास्ता रोक रहे हो, उठो वहाँ से। ये खड़ूस प्रेसिडेंट। चलो चलते हैं। मास्टर। हाँ? One, two, good morning, master. Good morning. Master, क्या आप हमें अपने कुछ कुंफू मूव सिखा सकती हैं? हाँ, प्लीज हमें कुछ सिखाइए ना। जरूर। शी हो थ्रो, समझे? आइकिडो का लेसन कभी भी हमला करने के लिए नहीं सिखाया जाता है। तुम अपने ही दुश्मन की ताकत का इस्तेमाल कर सकते हो बिना अपनी ताकत लगाए, ये याद रखना, यही एक रूल है। आप सच में कमाल है मास्टर। आउटस्टैंडिंग मास्टर। मैं ऐसे ईमानदार लोगों का भरोसा नहीं तोड़ना चाहती। हवा
बहुत तेज है। हे मीसा, तुम्हें देखकर यहाँ काफी अजीब लगा। ओ सुई, क्या तुम्हारे फैंस भी यहाँ आ रहे हैं जिससे मुझे तुम्हें बचाना पड़े? नहीं, दरअसल मैं यहाँ कुछ सोचने आई हूँ। मैं ये सोच रही थी कि मैं उन्हें बता दूं कि मैं एक मेड हूँ। जब मैं सोचती हूँ तो ऐसा लगता है कहीं उन्हें कहीं से पता चल जाए तो, अगर मैं सच बता दूं तो वो क्या मुझे गलत समझेंगे या फिर मेरा साथ देंगे? तो तुम्हें ऐसा करके क्या मिलेगा? तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, समझी? मुझे पता है बेवजह ही मैं डर रही हूँ। मैं डर रही हूँ क्योंकि मुझे वो मेट के रूप में देखकर क्या कहेंगे। मेरे ऊपर से उनका जो भरोसा है वो टूट जाएगा। ये बहुत बुरा लगता है जब आप किसी पे भरोसा करो और वो भरोसा ही टूट जाए। वैसे अगर मैं उनकी जगह पे होता तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये रहा सबूत। तुम इसे यहाँ पर क्यों लेके आए हो सुई? ये मेरा गुड लक चार्म है। क्या? पता नहीं। सही, मुझे दो ये, जल्दी दो। मिल गया। शायद अब हमें अपने क्लास में जाना चाहिए। हाँ ठीक है। ये सब कुछ जो हुआ है वो सब तुम्हारी गलती का नतीजा है। ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ये। मैं क्या करूँ? मुझे नहीं समझ आ रहा। क्या मैं उस फोटो को ले आऊं? अगर तुम तेज भाग के भी नीचे जाओगे तब भी उनसे पहले नहीं पहुंच पाओगे, वो तुमसे पहले उठा लेंगे। तुम ये क्या कर रहे हो? लेकिन ये सबसे छोटा रास्ता है। तुम मर जाओगे। लेकिन तुमने ही तो कहा कि मैं उसे लेके आऊं। क्या तुम्हारा सच में दिमाग खराब हो गया है? ऐसा तुम क्यों कर रहे हो सुई? वो इसलिए क्योंकि I love you, Misaki. उसने क्या किया? मुझे पता है मैंने कमाल कर दिया। हाँ, तुमने किया। तुम बेवकूफ हो सुई। मास्टर, क्या सब ठीक है? अरे मिस्टर ओसुई, जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ। वैसे मैं ठीक हूँ, बस कुछ खरोचें आई हैं। कोई भी इंसान जिंदा नहीं रह सकते इतनी ऊंचाई से कूदने के बाद भी। लेकिन हुआ क्या, उन्हें चोट कैसे आई? आखिर चल क्या रहा है? कुछ है जो मुझे तुम लोगों को बताना है। मेरा पार्ट टाइम जॉब है। मिस प्रेसिडेंट, क्या आपका मतलब है जब स्कूल के बाद मैं आपका बॉडीगार्ड बनता हूँ? ये हमारे बीच की बात रहेगी, प्लीज इसे राज रखिएगा मिस प्रेसिडेंट। मुझे तुमसे नफरत है उसोई। तो इसका मतलब उसोई मास्टर के बॉडीगार्ड है? ये काफी कूल है। ओह, तभी प्रेसिडेंट हमें अपने साथ नहीं ले जाते थे। लेकिन मिस्टर उसोई आखिर है कौन? मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझे देखने आओगी। हाँ? मैं इतना खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकता क्योंकि मुझे हमारे स्कूल की प्रेसिडेंट देखने आई है। क्या तुम मेड बनकर मेरी सेवा करना नहीं चाहोगी? ये लड़का, मैं जा रही हूँ।
का, वो एक ठरकी एलियन है बस।